रायबरेली में योग दिवस पूरे देश प्रदेश में लोगों के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी योग के महत्व को बताते थे। आज भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की कगार पर है। योग भारत से ही निकला है और आज पूरे विश्व में हर देश में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में वहाँ के लोगों के साथ योगासन कर रहे हैं। वहीं रायबरेली में शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी योग को लेकर भव्य आयोजन किए गए, जहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह, जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी और पूरे प्रशासनिक और शहर के लोगों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं डलमोंग मठ के महंत देवेंद्र आचार्य गिरी महाराज और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा डॉक्टर रवि प्रताप सिंह को योग गुरु की उपाधि दी गई। जी, जैसे इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की थीम थी हर घर आंगन योग, और मुख्य रूप से हम लोगों को इसमें महिलाओं को जोड़ना था, क्योंकि महिलाएं अगर घर में जागरूक होंगी तो पुरुष भी जागरूक हो जाएगा, बच्चे भी और वृद्धजन भी जागरूक रहेंगे। तो हमारा संदेश ये है कि हर महिलाएं प्रतिदिन अपने घर में एक स्थान सुरक्षित करें और वहाँ नियमित रूप से योग करें। अगर उन्हें योग की क्रियाएँ कुछ नहीं भी आती हैं तो भी कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, सरल क्रियाएँ, और आज के समय देखिए तो ग्राम प्रधान जी को भी प्रधानमंत्री जी का पत्र गया है कि हर गाँव में एक योगशाला बने। शहरों में भी देखिए, कल उद्यान में एक नई योगशाला का निर्माण हुआ है। तो संदेश ये है कि टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कैसे भी योग से अपने आप को जोड़ें, कुछ नहीं तो कम से कम श्वासों पर ध्यान देना, कुछ क्रियाएं जरूर करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।